हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक एवरीडे। आज मैं एयरटेल ब्रॉडबैंड का रिव्यू करूंगा। दोस्तों, मैं आपको ईस्ट दिल्ली के कनेक्शन के रिगार्डिंग ही इन्फॉर्मेशन दे पाऊंगा, क्योंकि मेरा कनेक्शन उसी एरिया में रजिस्टर्ड है। दोस्तों, मैंने एयरटेल लगभग 2 साल पहले लगवाया था और मेरा करंट प्लान 999 का है, जिसमें मुझे 263 GB हाई स्पीड डेटा मिलता है विद 40 Mbps स्पीड। दोस्तों, दिल्ली में एयरटेल के प्लान्स 799 से लेकर 3999 तक अवेलेबल हैं। अगर कंपटीशन से देखा जाए तो एयरटेल डेफिनेटली एक्सपेंसिव है। दोस्तों, मेरा ब्रॉडबैंड एयरटेल वी फाइबर है, यानी उस पर टेक्निकली 1 Gbps की स्पीड भी आ सकती है, बट ईस्ट दिल्ली में 40 Mbps की स्पीड ही सपोर्टेड है। इसलिए आप ब्रॉडबैंड लगवाने से पहले ये कंफर्म कर लें कि आपके एरिया में वी फाइबर सपोर्टेड है या नहीं। तो रिगार्डिंग माय एक्सपीरियंस, बिसाइड्स डेटा कैप, एयरटेल का ब्रॉडबैंड एकदम परफेक्ट है। ये हार्डली कभी डाउन होता है, और अगर होता भी है तो टेक्नीशियन विद इन 2 आवर्स आ जाता है। एयरटेल का टेक्निकल सपोर्ट एकदम बेस्ट है। उसके साथ ही अगर आप 1099 या उससे ऊपर का प्लान लेते हैं तो आपको अमेज़ॉन प्राइम, नेटफ्लिक्स और Z5 का प्रीमियम सब्सक्रिप्शन भी एकदम फ्री मिलता है। अगर इंस्टॉलेशन चार्जेस की बात करें तो मैंने 3 मंथ्स का पेमेंट एक साथ ही कर दिया था, इसलिए मुझे एयरटेल ने फ्री इंस्टॉलेशन के साथ साथ फ्री राउटर भी प्रोवाइड किया था। मैं आपको एयरटेल ब्रॉडबैंड तभी रिकमेंड करूंगा अगर आप बहुत हैवी यूज़र नहीं हैं और आपको एक्सेलेंट सर्विस चाहिए। ऑफ कोर्स सर्विस एरिया टू एरिया डिफर करेगी, तो अगर आपके एरिया में किसी पे एयरटेल लग रहा है तो आप उनसे सर्विस के रिगार्डिंग बात कर सकते हैं। अगर आपके एरिया में कोई लोकल प्रोवाइडर है जो आपको अनलिमिटेड नेट प्रोवाइड कर रहा है तो उसे कंसिडर करने से पहले ये देख लें कि उसकी सर्विस कैसी है। जैसे मेरा प्रीवियस इंटरनेट प्रोवाइडर ANI, जो कि दिल्ली में बहुत चीप प्राइजेज में अनलिमिटेड इंटरनेट प्रोवाइड करता है, बट उसकी सर्विस एकदम बकवास है। मतलब पूरे दिन नेट डाउन रहता था और कस्टमर सर्विस भी एकदम बेकार थी। तो दोस्तों, ये था मेरा रिव्यू एयरटेल ब्रॉडबैंड का। अगर आप एयरटेल ब्रॉडबैंड लगवाने की सोच रहे हैं तो हमें कमेंट सेक्शन में लिख के बताएं, और टेक वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।